के सभी सिटीजन्स भाई और बहनों, तुम्ही फारच खरंच सुंदर कुठे गेले ते आता इथे होते, हा मागे जाऊन बसले. परिस स्पर्श उन्होंने मराठी में कहा कि अजय सर का हाथ जिसे लगता है वो सोना बन जाता है. सही मायने में यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी हमारे धर्मों के जो प्रमुख है, वो अपने अपने, हर धर्म का रास्ता अलग होता है लेकिन मंजिल एक होती है, और अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से वो सीख सेम हुए, टीचिंग आर सेम, खाली उसे बताने का तरीका अलग है, उसे एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, प्रेयर करने का तरीका अलग है, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही ऑब्जेक्टिव है. और सही मायने में ये सभी लोग जो सीख हर रोज आप लोग देते हो जिस रास्ते पर चलने के लिए, उस रास्ते के ऊपर अजय सर रोज चलते हैं ऐसा मैं यहाँ पर मानता हूँ. और जिस प्रकार से सिर्फ स्कूल ही नहीं, कहने के लिए तो स्कूल है कॉलेज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के परिसर के समाज का नेतृत्व करने का काम यहाँ की ये संस्था कर रही है, अजय सर कर रहे हैं, और यहाँ की सिटीजन्स को ही नहीं. लेकिन जैसे उस दिन भी जब मैं रैली में सम्मिलित हुआ था तभी मैंने कहा कि देयर इज डिफरेंस इन बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड. डिग्री लेकर हम क्वालिफाइड बनते हैं लेकिन अच्छी शिक्षा लेकर हम एजुकेटेड बनते हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और कॉलेजेस है जो हमें क्वालिफाइड करते हैं, लेकिन यहाँ की यह संस्था हमें एजुकेटेड करती है. ये इस संस्था में और दूसरी सारी संस्थाओं में ये फर्क है. और इस प्रकार से यहाँ के सारे बच्चों को जैसे स्कूल में क्लास में बैठकर पढ़ना, लेकिन पढ़ने के साथ में रास्ते पर रैली निकालकर लोगों के सामने समाज के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, लोगों के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर मदद मांगना, ये भी अपने आप में एक सीख है. और ये सीख आप बच्चों को यहाँ पर दे रहे हो, हमारे यंगस्टर्स हो या टेंथ के पहले के हो या टेंथ के बाद के हो, और उसके लिए आपकी संस्था को, आपके ट्रस्ट को, आपके स्कूल को और इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व जितनी भी संस्थाएं हैं, वो एकता मंच हो, आज की आवाज़ हो, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. और महाराष्ट्र के सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये काम डिजास्टर रिलीफ का कोई सिर्फ सरकार का नहीं है. सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन सरकार के हाथ में हाथ डालकर जो समाज सरकार के साथ में खड़ा हुआ है वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है. और यहाँ से हमने अपने पूरा गिन के दिखाया 1500 पैकेट जा रहे. ये मैं ये मानता हूँ कि इस पैकेट में हम जो दे रहे हैं उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन ये पैकेट जो है ये खुद अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि दिस पैकेट इटसेल्फ इज कैरिंग होप. ये एक उम्मीद लेकर जा रहा है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये उम्मीद लेकर जा रहा है कि आज भले ही हम तकलीफ में हो, आज भले ही हमारे ऊपर संकट हो, टुडे वी मे बी इन ट्रबल, लेकिन देयर इज अ बेटर टुमारो वेटिंग फॉर अस. आज रात है लेकिन कल सुबह होने वाली है. और ये उम्मीद वहां के लोगों को बताने का काम यहाँ का ये हर एक पैकेट जो वहां पर जाने वाला है वो पैकेट वो काम करेगा. और सही मायने में आपने ये, मुझे लगता है कि ये ईश्वरी काम है एंड दिस इज गॉड्स वर्क. और मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में ये गीता में हम जो करते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता न करते हुए काम करते चलो, नाम जपते चलो, इस प्रकार से इन सीख के ऊपर आप चल रहे हो. इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से भी आपके सामने हाथ जोड़कर, आपके सामने नतमस्तक होकर सरकार की तरफ से भी आपका मैं आभार प्रकट करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं. और आपने यहां से जो आप एक उम्मीद भेज रहे हो, हमें ये उम्मीद है कि कोल्हापुर, सातारा और सांगली, इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों का जल्द ही ये जो, जिसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं, पुनर्वसन कहते हैं, वो पूरा होगा. और उस रिहैबिलिटेशन में आपका, जो मराठी में कहते हैं सिंहाचा वाटा, लायन शेयर आपका होगा, ऐसा कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
यहाँ से गई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अजय सर के द्वारा और जो इसके साथ एनजीओ जुड़े थे उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इतनी मेहनत के साथ वहाँ पे गए जो मदद है सतारा सांगली के लिए, चिल्ड्रंस वेलफेयर सेंटर, क्लेरास कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एकता मंच, आज की आवाज़ और वर्सोवा यारी रोड परिसर के सभी नागरिक संगठन और नागरिकों ने जो फ्लड रिलीफ के लिए यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ में जो पैसे इकट्ठा किए, ये जो यहाँ से पूरा मदद का जो पूरा यहाँ का पूरा सामान मटेरियल्स जो यहाँ से कोल्हापुर भेजा जा रहा है, ये काम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सराहनीय काम है और सैल्यूट डिजर्व करता है। और एक ऐसी संकट की घड़ी में किस प्रकार से ये पूरा महाराष्ट्र और पूरा समाज किस प्रकार से कोल्हापुर सातारा और सांगली के पीड़ित लोगों के साथ में खड़ा है, इसका एक अद्भुत उदाहरण है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे पैकेट्स मुंबई शहर से एक उम्मीद उन लोगों के लिए लेकर जा रहे हैं, एक अच्छी आने वाली कल की सुबह की उम्मीद। और ये उम्मीद कि आज भले ही हम तकलीफ़ में हैं, हम संकट में हैं, लेकिन आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, इस रात के बाद में सुबह होगी, और इस उम्मीद को लेकर ये मटेरियल यहाँ से जा रहे हैं। अजय सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस उम्मीद की सर ने बात, सर एक मिनट सर, जिस उम्मीद की सर ने बात की और जो डिग्निटरीज यहाँ पे है इनका साथ मिला है आपको, कितनी गर्व की बात है? और जो मदद वहाँ पे गई है वो आपके लिए खुशी की बात होगी, लेकिन जो मदद आपको मिली है डिग्निटरीज से उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हमेशा उन्होंने हमारे हौसला अफजाई की है और हमेशा अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए वो खुद उपस्थित रहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। सर क्या ऐसा इंस्पिरेशन था लोगों का साथ मांगने से पहले, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, थोड़ा सा बताएंगे सर इस बारे में? क्योंकि हर चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? आपको पता होगा कि हमारी संस्था जो है, चाहे एकता मंच हो, चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर है, जब जब कठिनाइयों का वक्त से कभी भी देश गुजरा है, हमेशा हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये पहली बार नहीं है कि संस्था ने ये काम किया। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो इनिशिएटिव लिया गया था और उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया गया है सबके सामने, कितनी गर्व की बात है, और जो लोगों के लिए मदद हुई है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरा भाग्य है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ सर के साथ, क्योंकि आज सर आज से नहीं बहुत सालों से ये जो कर रहे हैं, जो इंसानियत है वो स्टेज पे हमको दिख रही है। आज जो सर्वधर्म सर्व पक्ष जो बैठे थे, तो हम लोग ऐसे ही बोलोगे कि एक एक जो जन बैठे थे सब लोग ने अपने फूल ने, तो फूल का जो हम लोग कण मात्र जो मदद कर रहे हैं वो अजय सर के द्वारा ही वहाँ पहुँच रहा है। इसलिए मैं अजय सर और जो एकता मंच और जो स्कूल की तरफ से अमित जी का और जहाँ जो बैठे हैं सबका मैं आभार इधर बोलूँगी कि सब लोग ने जो मेहनत की है और आज जो मटेरियल जमा किया है, तो हम लोग सब पूरी तरह से तो हम लोग उनको मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि पूरी तरह से आगे जाके उनको अच्छा रिलीफ दे सकें। सर आपसे जानना चाहेंगे, एकता मंच और आज की आवाज़ ने जिस तरह का काम किया हर बार करते हैं, और इस बार जो है लोगों को साथ में लेके आना, हमने देखा कि सभी धर्म के लोग भी यहाँ पे साथ में बैठे थे, कितनी गर्व की बात है। ये तो अजय सर का जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो फैब्रिक है, तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक का जो फैब्रिक है, वो अपने आप को सर्वधर्म, मतलब इनके साथ में सर्वधर्म एक सेक्युलर फैब्रिक जिसको कहते हैं, उसके ज्वलंत उदाहरण अजय कौल सर। और इनके साथ यहाँ पर सभी, इनके हर कार्यक्रम में आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति वर्ण व्यवस्था सब दूर करके सारे ही लोग अजय सर के साथ में ऐसे अनेकों सामाजिक कार्यक्रम में उनकी सहभाग करते हैं, उनको विश्वास रखते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। अमित सर कुछ कहना चाहेंगे व्यूवर्स से जो आप लोगों को देख रहे हैं आज, और उनको भी अगर मदद करने का आह्वान आप करना चाहें हमारे थ्रू? मैं मुंबई शहर के सभी नागरिकों को ये विनती करता हूँ कि कोल्हापुर सातारा और सांगली के फ्लड रिलीफ के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चीफ मिनिस्टर्स महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड जो है, उस महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के लिए आप उसमें अपना योगदान दें, जिसके माध्यम से कोल्हापुर सातारा और सांगली के लोगों के रिहैबिलिटेशन का काम, उनके पुनर्वसन का काम ये बहुत जल्दी हो पाएगा, और सरकार को वो काम जल्दी पूरा करने में
एक बहुत बड़ी सहायता उसकी होगी, और इसीलिए महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए मैं मुंबई शहर के लोगों को आह्वान करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना, उसमें तीनों सेनाएं आई, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स, ये हमारे सर का मुकुट है, ये हिंदुस्तान का मुकुट है। वो सिर्फ हमारी सरहद को की रक्षा करने का काम ही नहीं करते, लेकिन वो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो उस नेचुरल डिजास्टर में, नेचुरल कैलामिटी में हमारे नागरिकों की सहायता करना, उनके प्राणों को बचाने का काम भी ये हमारी भारतीय सेना करती है, तीनों सेनाएं हमारी करती है। और सही मायने में मैं भारतीय सेना को, यानी भारतीय सेना, भारतीय वायुदल और भारतीय नौसेना को इस काम के लिए सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। आगे बच्चा छोटा सा पीछे भेज रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस।